स्वागत है बच्चों आप सभी का माँ अशोकन द्वितीय संघ के ऑनलाइन टीचिंग में। आज हम कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 19 तोता और इंद्र का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हमने जो आगे पढ़ा था उसका क्या करेंगे, थोड़ा सा पुनरावर्तन, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। आगे हमने क्या देखा था कि जो लेखक है वो क्या बता रहे हैं, पुरानी कहानी सुनाते हैं। यह कहानी अच्छी थी, काशी की पूर्वभूमि मानी जाती थी, उसकी महिमा चारों दिशाओं की ओर गुंजायमान थी। देवता और स्वयं इंद्र काशी को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते थे। और क्या बताया था कि एक दिन देवराज इंद्र ने काशी के समीप निर्जन वन में से होकर जा रहे थे, तब उन्हें दिशा सुखा पेड़ दिखाई देता था। उसके खोखले में एक सुंदर तोता था। तब सूखे पेड़ को देखकर इंद्र को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब इंद्र तोते से पूछा, क्या यह मूर्खता नहीं है कि तुम इस सूखे पेड़ पर किसी अपरिचित और गवार की तरह रहता है? और क्या पूछा था कि क्या इतने बड़े सुंदर वन में तुम्हें हरा भरा पेड़ कोई नहीं मिला? ये सब इंद्र है वो क्या तोता से पूछ रहा है। इस सूखे पेड़ पर रहने पर तुम्हें अपने मन में कौन सा लाभ दिखाई देता? किंतु आए कुछ
इसके इससे मुझे बाद में इस पर डाली आफत भारी, इसके कारण शुक्र आए तब से यह कहकर दिन प्रति दिन। अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। तब यह क्या क्या बता रहा है कि किंतु कुछ दिन पहले वन में एक शिकारी क्या आया, उसने अपने विष से मुझे बाण से इस पेड़ पर ऐसा प्रहार किया कि इस पेड़ पर आफत आ गई। विष के कारण तब से ही यह पेड़ दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। यानी कि वो क्या बता रहा है, होता कि विष के कारण ये जो पेड़ है वो दिन प्रतिदिन सूखा जा रहा है। तब वो कहते हैं अब तो ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम समय आ जाएगा। वो क्या बता रहा है, होता कि इस पेड़ के साथ मेरा भी अंतिम क्षण आ जाएगा, ऐसा वो बता रहा है। यानी कि वो तोता है, उसको जो पेड़ पर है वो बहुत ही लगाव था। वो पेड़ से वो पेड़ है उसकी जो दादी है उसका जो लगाव है उसको बहुत ही था। यानी कि उसको जान से भी प्यारी थी। यानी कि वो बता रहे कि ये पेड़ सूखने का इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम क्षण आ जाएगा, वो ऐसा सोच रहा है। और ये सब बातें वो इंद्र से बता रहा है। विद्यार्थी मित्रों, आज